रिक्शा में क्यों जा रही है? मुझे उनके साथ जाना चाहिए, कहीं उन्हें ज्यादा ना लगी हो। चलिए लक्ष्मी जी, सोच क्या रही हैं? चलिए। ये शेर और ये मात, इतनी ही प्रॉब्लम है लक्ष्मी जी, तो आस्था से मनाली के टिकट्स वापस क्यों नहीं ले लेती हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आस्था को बीच में क्यों ला रहे हैं? आस्था को मैं नहीं, आप लाई हैं। अब जब से आई हैं आस्था आपके मन में है, साफ दिख रहा है मुझे। गोविंद जी, मुझे जो करना था मैंने किया और अब पीछे नहीं हट सकती। देखिए, मैं जानता हूं कि उठाया हुआ कदम, बढ़ाया हुआ मोहरा आप कभी वापस नहीं लेना चाहती, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सच में चाहती हैं कि आस्था इस घर से चली जाए? आप कहती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात है कि आस्था जैसे तैसे घर वालों का दिल जीत ले और घर में ही रहे। कुछ मत कहिए, आप कितनी देर की चुप्पी नहीं, हाँ कह रही है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी जी, तो उसको टिकट देने के बाद आप इतनी परेशान क्यों? मन में कुछ नहीं है तो आपका मन क्यों नहीं लग रहा? आस्था काफी टाइम से दिखी नहीं, आखिर वो है कहाँ? आस्था यहां भी नहीं। चाची जी, शिव, डरा दिया बेटा तुमने मम्मी जी को। एक बात बताइए ना, आप लोगों ने आस्था को कहीं देखा? आस्था को जी नहीं, नहीं। कुछ काम अच्छा गया। हाँ बबी जी, हाँ मुझे लगता है कि अपनी इंटरनेट सर्च के बारे में आस्था ने शिव को नहीं बताया। अरे बहू, उसने ना किसी को भी नहीं बताया होगा, वो तो ऐसे ही हम दोनों उसके कमरे में पहुँच गए, तब जाके हमें ये सारी बातें पता चली, समझी कुछ? बबी जी, हाँ इसका मतलब वो सच में प्रेग्नेंट है। मेरी भोली बहू। चुप रह, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? जिस दिन पूरे घर को उसके नास्तिकता के बारे में पता चला, तब हमारे शिव ने क्या कहा था? क्या? यही, आस्था को जिंदगी भर अपनी पत्नी नहीं मानेगा। अब जब हमारा शिव उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, तो फिर रिश्ता बनाएगा कैसे? बंदी जी, इसका मतलब कि आस्था कोई तिकड़मबाजी सोच रही है। हो सकता है, पूरा घर ढूंढ लिया आस्था कहीं भी नहीं, आखिर गई कहाँ? फोन में नॉट रीचेबल आ रहा है, चली कहाँ गई? पहलवान ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो और आस्था कहीं चली गई है। पता नहीं, मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, बाहर भी सब जगह देख लिया, कहीं दिख नहीं रही। इतना लेट हो गया, कहाँ जा सकती है? उसे फोन किया जी बाबा, फोन तक किया, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मनाली के टिकट इस घर से ही, इस शहर से ही चली जाए।
मेले के टिकट्स नहीं, लगता है चली गई। क्या हुआ माँ? और ये मनाली के टिकट्स? दरअसल शिव, लक्ष्मी जी ने आस्था को मनाली के टिकट्स दिए थे, जो अब इस एनवेलप में नहीं है। तो हमें लग रहा है कि कहीं वो मनाली तो नहीं चली गई। ऐसे कैसे मनाली जा सकती है? मुझे मुझे बिना बताए थोड़ी ना मनाली जाएगी माँ। मुझे नहीं लगता आपको आस्था को मनाली की टिकट देनी चाहिए थी। ऐसे कैसे जा सकती है? नहीं शिव, बेटा मैंने सोचा नहीं था कि वो सचमुच चली जाएगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था। आस्था मुझे कह रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, फिर पापा वो मनाली कैसे जा सकती? ना मुझे कुछ बताया ना आप लोग को। नहीं, नहीं मैं, मुझे नहीं लगता वो मनाली गई। वो ऐसे मनाली जा ही नहीं सकती। शिव, गुरुमा यहाँ, वो भी बुरके में, आखिर ये हो क्या रहा है? सुनिए, आपके यहाँ से मुझे फोन आया था कि आज आपके अनाथ आश्रम की 50वीं वर्षगांठ है। मेरी बेटी भी यहाँ आने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ होगी? आपका नाम? नाम क्या है आपका? संध्या, संध्या भौमिक। क्या? संध्या भौमिक। पता नहीं कि तेरा बल्लू कहाँ रह गया, अभी तक मिट्टी लेके नहीं आया है। वो भाभी का भक्त है ना? हाँ। अब वैसे एक प्रश्न था। हाँ। क्या आप लोगों ने इतनी सारी मिट्टी मंगवाई क्यों है? इसके साथ आप लोग क्या करने वाले? अरे बलवान, कल तीज है। तीज? अच्छा। तीज पे हर शादीशुदा जोड़ा इस मिट्टी से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाता है। ओ। हाँ, और रुंझुन बहू, ससुराल में ये तुम्हारी पहली तीज है, तुम और बलवान अच्छे से मूर्ति बनाना। हाँ? अरे मतलब भाई और भाभी का भी तो पहला तीज होगा ना? हाँ, तो वो लोग भी बनाएंगे ये मूर्ति। अब जाकर थोड़ी और मिट्टी ले आइए। ठीक है। वैसे दीदी, आस्था है कहाँ? सुबह से नजर नहीं आई। हाय, भगवान झूठा बुलाए। दुबी जी, कहीं वो हमसे पहले शिव और पार्वती की मूर्ति तो नहीं बनाने गई? नहीं भाभी, आस्था कोई मूर्ति नहीं बनाएगी, क्योंकि वो इस घर से दूर चली गई।
कौन से साल में आप यहाँ आई थी? लगभग 1993। 1993। संध्या भूमि जी। 1993। हाँ ये रहा, आपकी बेटी यहाँ हर साल इसी दिन आती है, आज भी वो आई है। जी कहाँ कहाँ होगी वो? यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहाँ लास्ट में एक रूम में उधर वो बैठी है। आज की रीयूनियन के लिए वो डेकोरेशन कर रही है। धन्यवाद, शुक्रिया। इससे पहले कि ये मेरा बरसों पुराना राज जान जाए, मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना होगा। ये गुरुमा गई कहां? आस्था वापस मनाली चली गई है, तो क्या हम इस साल तीज का त्योहार इसके बिना ही मनाएंगे? अच्छा हुआ चली गई, बस घर में मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसे वापस भेज देंगे। भौमिक आई थी ना, कहाँ मिलेंगी वो? आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहाँ लास्ट में एक रूम है, उधर वो बैठी है। अच्छा थैंक यू। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कौन है? वो रूम में तो मिली नहीं, तो शायद वो निकल गई होगी। वो कह भी रही थी आज वो बहुत जल्दी में है, आप तो वो अगले साल ही मिल पाएगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। रुको रुको,
राधिका तुम गुरुमा आप और ये क्या पहन रखा है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हर साल यहाँ आती हूँ, आज ही के दिन मुझे यहाँ ले आया गया। मेरी बेटियों, क्या? नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बात का यकीन करो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा अपना कौन हो तुम? मुझे भी ये बात अभी मालूम चली। मेरा यकीन करो, अगर मुझे मनाली में पता होता ना कि तुम मेरी बेटी हो, तो कमा की कसम मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग ना करती। देखो कितनी बड़ी होगी ये मेरी बच्ची, देखो मेरी जैसी लगती हो। मुश्किल से मुझे मिली हो, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत छोड़ना। छोड़कर तो आप मुझे गई थी, वो भी मेरे पैदा होते। नहीं, जो प्यार मुझे तब मिलना चाहिए था, अभी क्यों दे रही हैं आप? जरा सी भी दया नहीं है आपको मुझे? मुझे अपने आप से अलग करते हुए मेरी बात समझो। जानवर भी ऐसा बर्ताव नहीं करते अपने बच्चों के साथ जैसा बर्ताव आपने मेरे साथ। राधिका, दया तो क्या, आपके सीने में दिल ही नहीं। अब सबके लिए गुरुमा बन गई होगी, लेकिन एक बच्ची की माँ नहीं बन पाई। आपको कोई हक नहीं है मुझे अपनी बेटी बोलने का। राधिका, मेरी बात सुनो। राधिका, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं मजबूर थी। मैं बिहाई माँ तो बन गई, पर किसी की पत्नी ना बन पाई। और बिन बाप के बच्चे को मैं तो अपना सकती थी, पर हमारा ये समाज तुम्हें कभी ना अपना। ये मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें अपने पास ना रख पाई। और तुम उन लोगों के साथ रही जो मेरा खून भी नहीं थे। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दे, मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी। मेरी बात का यकीन कर। एक माँ अपनी बेटी के आगे फरियाद की झोली फैलाए क्षमा की भीख मांगती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ राधिका। आप मुझे अपने पास नहीं रख सकती थी, लेकिन मिलने तो आ सकती थी ना? इतने साल हो गए, लेकिन एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई। और कैसी बेहतर जिंदगी है, बचपन में आपने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीन लिया, और जैसे ही बड़ी हुई मेरा प्यार, मेरा शिव मुझसे छीन लिया आपने। मेरा हक आपने जाकर किसी और को दे दिया। मैं मानती मुझसे गलती हुई, वो अनजाने में हुई। मैं तुम्हारा गुजरा वक्त तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती, पर जो मैंने तुमसे छीना था ना, वो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें वापस दिलाएगी। शिव से शादी करना चाहती हूँ, मैं करवाऊंगी तुम्हें शिव से शादी। मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हक वापस दिलाऊंगी। और ये एक माँ का अपनी बेटी से
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.